वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमा शंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पर स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम प्रबंधन समिति, ये जिला कोरिया का है। जिला कोरिया में लगभग आपके 75 पोस्ट, लगभग 75 पोस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, और इसके लिए हम कब तक आवेदन कर सकते हैं ये देख लेते हैं सबसे पहली बात। तो हम इसके लिए आवेदन जो है 29 जुलाई तक कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन हम 29 जुलाई शाम 5 बजे, 5:30 बजे तक पहुंचना चाहिए, है ना, ये यहाँ तक पहुंचना चाहिए। आज देख सकते हैं, आज का जो डेट है 16 जुलाई है, तो आज से हमारे पास टाइम बचता है लगभग 9 दिन उधर और 3 से 4 दिन इधर। हम देखें तो 12 से 13 दिन हमारे पास है, तो हम आसानी से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नियम होंगे, कुछ रूल होंगे, तो आप अपने सब्जेक्ट का पोस्ट देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। मैं आपको स्लोली मैं सारे पोस्ट मैं दिखाते जाता हूँ, आप सब्जेक्ट देखिएगा, सब्जेक्ट अपना पोस्ट देखिएगा, चेक कर सकते हैं। ये है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पौड़ी जिला कोरिया का। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पोस्ट आए हुए हैं, लगभग 75 पोस्ट आए हुए हैं। ये पौड़ी का हो गया। दूसरा स्कूल जो है विद्यालय का नाम, इसका मैं जो PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बैकुंठपुर जिला कोरिया, यहाँ पर भी व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, इन सारे जो सब्जेक्ट है उनका पोस्ट आया हुआ है। यहाँ पर हम बात करें, सारे जो पोस्ट आए हुए हैं वो अंग्रेजी माध्यम के लिए हैं, हिंदी माध्यम के लिए कोई पोस्ट इसमें नहीं आया है। ये पूरी जो भर्ती है वो संविदा पोस्ट होंगी, है ना। यहाँ पर रूल और रेगुलेशन और देख लेंगे। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोल्हारी जिला कोरिया का है ये पोस्ट जो है। यहाँ पर भी सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम सब्जेक्ट दिया हुआ है, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम, और काफ़ी सारे यहाँ पर भी पोस्ट आए हुए हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है लगभग जो 75 जो पोस्ट हैं वो आए हुए हैं। हम यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें शैक्षणिक अर्हता, जो जो सब्जेक्ट के लिए, जैसे हम व्याख्याता के लिए बात करें, तो व्याख्याता के लिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में हमारा क्या होना चाहिए, PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें टीचर्स के लिए, हम बात करें तो टीचर्स के लिए क्या होना चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट में हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए, BEd होना चाहिए, TET पास होना चाहिए, तो ये चीज़ें हमको चाहिए होता है। असिस्टेंट टीचर के लिए हमको 12th पास होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। उसके बाद हम बात करें TET उत्तीर्ण होना चाहिए प्राइमरी वाला, है ना, और मूल निवास छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। और बात करें यहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया कैसी होगी, अभ्यर्थी द्वारा कक्षा 9वीं से आगे की संपूर्ण शिक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया होना चाहिए, पहला। दूसरा, चयनित तो कोरिया जिले के अभ्यर्थी को प्राथमिकता के रूप में 5 बोनस प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर 5 नंबर जो है जो कोरिया जिले वाले हैं उनको बोनस प्रदान किया जाएगा। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से, विश्वविद्यालय से, संस्था से जारी अनुसूची उपाधि ही मान्य होगी। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन आपको क्या करना है, देना है। और थोड़ा बात कर लेते हैं इसमें, स्वप्रमाणित संलग्न कर स्पीड पोस्ट रजिस्टर द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बैकुंठपुर कोरिया के पते पर निर्धारित तिथि व समय तक जमा किए जा सकते हैं। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। संविदा नियुक्ति के लिए शिक्षक संवर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, DEd, BEd, DLED, TT में प्राप्त अंकों व छत्तीसगढ़ राज्य से के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पद की समकक्ष अध्यापन अनुभव व साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों के आधार पर अधिमान्यता दी जाएगी। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, आपके जो मेरिट कह सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट जो आपके जो मार्क्स है, मार्क्स का आपका क्या करेंगे, मेरिट बनाएंगे, मेरिट के आधार पर ही आपका क्या होगा, चयन होगा। सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पर कहा गया है, देख लीजिएगा, ये सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए 10वीं में प्राप्त अंकों पर यहाँ पर 10 अंक, 12वीं में प्राप्त अंकों पर 4%, और DEd या DLED में प्राप्त अंकों के 10%। यहाँ पर नंबर डिसाइड कर दिए हैं कि इसमें कितना अंक यहाँ पर मिलना है, ठीक है। ग्रंथपाल के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, संविदा नियुक्ति के लिए गैर शैक्षणिक जो भी पद है
है ना। तो उसके लिए भी ग्रंथपाल हो गया, व्यायाम सहायक हो गया, कंप्यूटर शिक्षक हो गए, सहायक शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला, लेखापाल सहायक ग्रेड 2, तो इन सब के लिए, भृत्य के लिए भी और चौकीदार के लिए भी यहाँ पर सारे पदों के लिए क्या कर दिया गया है कि कैसे ये इनकी जो मेरिट तैयार होगी उसके लिए यहाँ पर बताया गया। आप अपना मेरिट यहीं से निकाल सकते हैं कि आप कितने नंबर पे हैं, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे और कुछ है तो हम इस पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर संविदा नियुक्ति तो आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय कार्यालय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा क्या होना चाहिए, जारी होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में समान अंक होने की स्थिति में उम्र अधिक उम्र वाले को की प्राथमिकता मिलेगा। अभ्यर्थी की जो आयु है वो 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो ST SC OBC वाले हैं उनको 5 वर्ष की जो छूट मिलेगी वो यहाँ पर लागू होगी। चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जाएगी तथा चयन के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थी का एक पद के हेतु एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा, इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट आप कर दीजिएगा, है ना। अभ्यर्थी एक पद के लिए एक ही आवेदन पत्र करेंगे जिसमें उन्हें विद्यालय का प्राथमिकता क्रम अंकित करना होगा तथा प्राथमिकता क्रम अंकित नहीं होने अथवा एक ही विद्यालय हेतु एक से अधिक अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन होने की स्थिति में समिति द्वारा तीनों में से किसी भी एक विद्यालय में संविदा नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। इसको थोड़ा समझिएगा, आपको क्या करना है, एक आवेदन पत्र डालना है और एक आवेदन पत्र में उन्हें विद्यालय का प्राथमिकता क्रम अंकित करना होगा तथा प्राथमिकता क्रम अंकित नहीं होने पर एक ही विद्यालय हेतु एक से अधिक अभ्यर्थियों के चयन होने की स्थिति में समिति द्वारा तीनों विद्यालयों में से किसी भी एक विद्यालय में संविदा नियुक्ति प्रदान की जा सके, जिसके लिए अभ्यर्थी कोई दावा प्रस्तुत है। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिफरेंस डालना है, प्रिफरेंस नहीं डालने की स्थिति में किसी भी स्कूल में दिया जा सकता है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो 1 2 3 क्रम आप जरूर डाल लीजिएगा। निहटता है, यहाँ पर अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थियों के लिए किन्हीं भी साधनों के समर्थन अभी प्राप्त करने से करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निहर्तित माना जाएगा। शर्तें कुछ और है यहाँ पर देख सकते हैं, और काफी सारे यहाँ पर शर्तें बताई गई हैं। तो ये इसके लिए मैं आपको ये जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको दे दूंगा। यहाँ पर ये बताया गया आवेदन पत्र के साथ में ये चीजें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। दावा पत्ति हेतु 5 अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए तो सबको पता है, और अभ्यर्थी को 10 रुपये का नॉन जुडिशियल इंस्टाम पेपर, संपूर्ण शैक्षिक योग्यता शपथ पत्र, अच्छा एक शपथ पत्र भी यहाँ पर अटैच करना है, तो शपथ पत्र भी यहाँ पर देना होगा। कहीं कहीं नहीं मांगा गया है शपथ पत्र, यहाँ पर शपथ पत्र मांगा गया है, आप देखिएगा शपथ पत्र यहाँ पर आप लगा दीजिएगा। और बाकी यहाँ पर 10 रुपये का टिकट आप 16 नंबर पर देख सकते हैं कि 10 रुपये का आपको क्या करना है, लिफाफे में आपको 10 रुपये का डाक टिकट लगाकर संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र प्रेषित किए जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। तो एक बार अच्छे से और रीड कीजिएगा सारी चीजों को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये फॉर्म है, फॉर्म का भी मैं आपको PDF दे दूंगा साथ में, तो आपको इजी हो जाएगा। थैंक यू, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा।